नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक्स रो ऑफिसर सूद सर है। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कनाडा ने अब भारत के खिलाफ धावा बोल दिया है। आरएसएस को बैन करने की मांग की जा रही है, भारत पर बहुत ही कड़े सेंशन लगाने की बात की जा रही है, और अब एक अमेरिका की तरफ से भी बयान आ गया है जो खतरनाक मंसूबों को दिखाता है, ना सिर्फ कनाडा के, ना सिर्फ खलिस्तानियों के, बल्कि अमेरिका का भी। तो ये जो बयान आए हैं, इनके क्या मायने हैं, प्लीज संक्षेप में समझाइए। ये स्टार्ट कैसे हुआ था और आगे भारत किस तरीके से इस पर रिएक्ट करेगा? देखिए, भारत साथ साथ रिएक्शन दे ही रहा है इनको। एक्चुअली यूएस इंडिया को टारगेट करने के चक्कर में लगा, क्योंकि इंडिया उसके पैरों के नीचे नहीं आता और ये उसकी दुहाई देते हैं फाइव आई की। फाइव आई क्या है? ये पांच कंट्री हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये कहते हैं हम आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जब इसराइल में सब कुछ हुआ, तब तो इनको कुछ पता नहीं चला कि किसने किया। ये जो फाइव आई है, ये है क्या? बहुत से लोग जानना चाहते हैं। ये 1946 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी इन पांच कंट्री ने मिलकर कि हम किसी का फोन टैप कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको शेयर करेंगे और अपनी सिक्योरिटी की दुहाई देते थे ये। और ये जो कर थी ऑर्गेनाइजेशन, या पांच कंट्रियां जो मिलकर काम कर रही थी, ये पब्लिक के सामने आई 1980 के अंदर। और अब जो निज्जर का मर्डर हुआ, तब इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी कि इंडिया के इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन उसी लिए और इसके पीछे जो मेन कंट्री जो इसको सपोर्ट करती है वो यूएस, और बाकी इनके साथ मिलकर रहती हैं कंट्रियां। लेकिन जब यहाँ पे सारे इंसिडेंट हुई, निज्जर के मर्डर की बात हुई, पहले तो कनाडा ने शोर मचाना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद बाकी कंट्रियां साथ आ गई, यूएस साथ आ गया, फिर एक स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया से आ गई, और उसके बाद न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए। उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसके क्या इम्पैक्ट है? जिस तरीके से खलिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं यूएस और कनाडा, अब पांच इंडियन एयरलाइंस के प्लेन्स, उनको धमकी मिल गई कि यहाँ पे बम है। और एक प्लेन कनाडा के यूएस के अंदर जा रहा था, वो रास्ते में कनाडा के अंदर रुक गया और उसकी पूरी स्क्रीनिंग की गई, तब उसको वहां से डिस्पैच किया गया, क्योंकि इसको हम किसी भी तरीके से इजीली ले नहीं सकते या लाइटली ले नहीं सकते। एक प्लेन जा रहा था जो आपके सिंगापुर, उस प्लेन को उनकी एयरफोर्स के जेट फाइटर ने एस्कॉर्ट किया और उसको भी पूरा चेक किया गया। ये फर्क होता है जब आप किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं बगैर किसी इशू के, और सपोर्ट करना शुरू करते हैं मिलिटेंट को, मिलिटेंट या मिलिटेंट ग्रुप्स को, जैसे खलिस्तानियों को। और इसके पीछे जो सारी जो वार्निंग दी गई थी, वो दी गई थी पन्नू के द्वारा। इससे पहले एक इंसिडेंट हुई थी 1985 में, जब एक कनिष्का इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया का प्लेन कनाडा से उड़ा और उसके अंदर बम ब्लास्ट हो गया। ये बम ब्लास्ट किसने किया? ये किया खलिस्तानियों ने, जबकि उस टाइम पे इंडियन इंटेलिजेंस ने पूरी इंफॉर्मेशन दी कनाडियन गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर एक बम अटैक हो सकता है, यहाँ पे बम ब्लास्ट हो सकता है इस प्लेन के अंदर। और कनेडियन गवर्नमेंट को 7 बार हमने इन्फॉर्म किया, वहां से आया कि हम इसका पूरा देख लेंगे। लेकिन ये प्लेन जब उड़ना था जिसको ऊपर बम ब्लास्ट हुआ, तो इसके अंदर एक आदमी का सामान तो चला गया जो खलिस्तानी था, लेकिन वो आदमी चढ़ा नहीं। कैसे हो सकता है कि किसी प्लेन के अंदर किसी ने जाना हो और उसके अंदर उसका सामान चल जाए और आदमी ना जाए? ये एक्चुअली सारी की सारी स्ट्रेटेजी थी या प्लानिंग थी कनाडा की। वो इंडिया को तब से टारगेट कर रहे हैं, आज से टारगेट नहीं कर रहे। यानी कि आप सोच लीजिएगा, पिछले 40 साल से ज्यादा से इंडिया को टारगेट किया जा रहा है कनाडा के द्वारा, और खलिस्तानी को सपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद जो आदमी को पकड़ा गया, वो कुछ सालों के बाद या 3 या 4 साल के बाद उसको छोड़ दिया गया, और अब भी कनाडा कह रहा है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 40 साल के अंदर आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए एक केस की। और फिर जब निज्जर मारा गया, तो वो कहाँ मारा गया? निज्जर मारा गया कनाडा के अंदर। किसने मारा उसको? एक कनेडियन ने उसको मारा, कनेडियन गवर्नमेंट ने उसको मारा। कनेडियन गवर्नमेंट को उसको पता होना चाहिए था कि जब कनेडियन के अंदर किसी को मारा गया तो कौन हो सकता है वो तो पकड़ नहीं पाए। लेकिन इंडिया पे इल्जाम लगा दिया कि इंडिया ने इसका मर्डर किया। और निज्जर है कौन? निज्जर एक टेररिस्ट है, खलिस्तानी है, जिसको कनाडा के अंदर मारा गया। आप अपनी कंट्री के अंदर को पाल करके इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। किस तरीके से आप डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं? और यूएस कहता है कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, कनाडा कहता है हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारी राइट है हमारे सिटीजन के बारे में। जब किसी इंडियन सिटीजन को मारा जाता है तो तब तो आप कुछ नहीं बोलते, क्योंकि अगर हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की, किसने मारा उसको? मारा था CIA ने, अमेरिका ने मारा। हमारे साइंटिस्टों को अमेरिका ने मारा, क्योंकि उस टाइम पे हमारी कंट्री इतनी पावरफुल नहीं थी। अब यहाँ पे पन्नू की स्टेटमेंट आई है, पन्नू एक टेररिस्ट है जो मेनली यूएस के अंदर रहता है, CIA का एजेंट है। और कनाडा ने कहा कि एक इंडियन MP जो कनाडियन गवर्नमेंट का है, चंद्र आर्या, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि हिंदुओं को प्रोटेक्शन करता है और खालिस्तानियों को टारगेट करता है। तो अब कनाडा के अंदर एक काम किया जा रहा है कि हिंदुओं को वहां परेशान किया जाएगा, हिंदुओं को वहां तंग किया जाएगा, जिनके घर हैं उनको वहां से निकालने की बात की जा रही है। तो एक टेररिस्ट के कहने पे आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कनाडियन जो प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो, उनके गवर्नमेंट इस टाइम पे माइनॉरिटी में है और उनको जरूरत है जगमीत सिंह की पार्टी की पावर में रहने के लिए, इसलिए हिंदुओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। और किस तरीके की गवर्नमेंट है? बिल्कुल, वैसे भी जगमीत सिंह पुतिन पुतिन ने कहा कि आदमी तो मेंटली रिटार्डेड है। ये जगमीत सिंह का जो वीडियो आया है, एक बार ये और सुना देते हैं हम दर्शकों को, ताकि पता चले कि आरएसएस को बैन करने की मांग और भारत पे सेंशन लगाने की मांग क्यों उठी है। उसके बाद इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। Which is a right-wing extremist militant group from India that has branches in other countries, including in Canada, that promotes violence and division. We'll also urge Canada to impose severe
and strict sanctions on Indian diplomats. We need to take every step possible to keep Canadians safe. The RCMP is exposing a very serious threat, and now let's take that threat seriously and act accordingly. जगमीत सिंह वहां का एमपी है और इसकी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो ट्रूडो को सपोर्ट करती है। अब ये कह रहा है कि आरएसएस को बैन कर दो, भाई तुम अपनी कंट्री के अंदर तक तो इंडिया हो नहीं, तुम्हें क्या लेना। हमारे यहाँ पे आरएसएस रखे, किसी को भी रखे, आरएसएस हिंदुओं की प्रोटेक्शन करती है। अब वो कहता है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिलिटेंट खुद दूसरे को कहता है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और आरएसएस ने किसी भी आदमी को आज तक मारा नहीं होगा। आरएसएस सिर्फ हिंदुओं को प्रोटेक्शन करने के लिए खड़ी रहे अगर कोई वहां पे इंसिडेंट होती है, लेकिन आरएसएस के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा कि आरएसएस ने कभी किसी को मारा हो। और ये वो आदमी है जो जिसके खिलाफ बहुत से केसेस फाइल है इंडिया के अंदर, और ये वो आदमी है जो निज्जर को सपोर्ट करते हैं। निज्जर के ऊपर भी बहुत से केसेस इंडिया के अंदर फाइल किए हुए थे, क्योंकि ये खालिस्तानी है और खालिस्तानी बिलीव करते हैं वायलेंस के अंदर, और कहता है कि आरएसएस एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आप हिंदू राइटर्स से इतना घबराते हैं, अगर आरएसएस ने बंदूक उठा ली तो तुम्हारी तो यहां से भागने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। ये जो लोग हैं इनको कैनेडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ट्रूडो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो उनको पॉलिटिकल गेम चाहिए, पावर में रहने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए इसकी। और ये लोग जो इंडिया के अंदर इंडिया में पैदा हुए, जो आपको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, और ये कहते हैं कि अब जब यहाँ पे बिश्नोई का नाम सामने आया, एक आदमी को जो बॉम्बे के अंदर मारा गया, तो कनाडा कहता है कि जी बिश्नोई ने मारा उसको। एक साल तक तो तुमने तुम्हारी इंक्वायरी के अंदर कुछ निकला नहीं, किसने मारा। जब बिश्नोई का नाम सामने आया तो बिश्नोई ने मारा, कल किसी दूसरे का नाम सामने आ जाएगा तो कहेगी उसने मारा। दूसरी तरफ इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है यूएस, क्योंकि यूएस किस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर 5 को, और इस टाइम पे जो वहां की गवर्नमेंट है कमला हैरिस और बाइडेन की, वो वहां पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है उसका, हारने वाली है वहां पे, और उनको लगता है कि पावर से हम चले जाएंगे, इसलिए एक इशू को लेकर के मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मोदी से, मोदी की पॉपुलैरिटी से, और इंडिया जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। यूएस चाहता है कि इंडिया कमजोर हो, और इसलिए वो चाहता है कि यूएस अगर इंडिया कमजोर होगा तो उसके तलवे चाटेगा, जैसे उसके तलवे चाटता कनाडा, जैसे उसके तलवे चाटता ब्रिटेन, और इसी तरीके चाहते हैं इंडिया कमजोर हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर ट्रंप की बात, अब जैसे मूसा वाला की बात कर लीजिएगा, मूसा वाला का जब मर्डर हुआ था तो इंडिया ने कनाडा से कहा था कि इसके बारे में जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है वो कनेडियन थे, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन दो और उनको इंडिया के अंदर हैंड ओवर कर दो। तब तो कनाडा ने कोई बात नहीं की। अब जब निज्जर मारा गया और वो भी वहां मारा गया कनाडा के अंदर, तो कहते हैं इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर किसी भी तरीके से कोई ऐसा आदमी कहता है कि समझदार आदमी हो, आप कंट्री चला रहे हो, आप कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चला रहे, क्या किसी भी एलिगेशन लगा दो, क्यों आपको पावर में रहना है, और पावर में रहने के लिए कुछ भी कर दे। इनकी वाइफ इनसे इतनी परेशान हो गई कि उनको इन्होंने इसको डाइवर्स दे दिया, इनके एटीट्यूड की वजह से, इनकी एरोगेंस की वजह से, और इनके डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड की वजह से इन्होंने कनाडा को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये यहाँ पे लोग कह रहे हैं कनाडा के अंदर इंडिया को पे सैंक्शन लगा दो, इनकी गवर्नमेंट ने भी बात की है। पर सैंक्शन क्या लगाओगे, क्या हम तुम्हारे से खाना मांगते हैं, क्या हम तुम्हारे से कुछ डिफेंस के इक्विपमेंट लेते हैं, क्या हम तुम्हारे से कुछ काम लेते हैं। हमारे इंडियन जाते हैं कनाडा के अंदर पढ़ने के लिए, और वहां से कनाडा की इनकम जनरेट होती है, और जो इनकम जनरेट होती है एक एक आदमी वहां पे 25 से 30 लाख खर्च के जाता है। अब नहीं जाएगा अगर तुम ऐसा ट्रीट करोगे। और कहा जाता है कि कनाडा के अंदर सबसे ज्यादा गाड़ियां चोरी होती हैं, ये अपनी कंट्री को संभाल नहीं पा रहे, इंडिया पे टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की प्रोग्रेस ही देख पा रहे हैं, इनका विजन नहीं है। मैं वैसे भी कहा था कि इनकी कंट्री का इतना बुरा हाल है कि एक टाइम पे डेवलप कंट्री थी, आज इनको अमेरिका की सपोर्ट है, अदरवाइज ये अंडर डेवलप कंट्री हो जाए, और इंडिया जो अंडर डेवलप कंट्री थी वो आज डेवलप हो रही है, इससे इनको परेशानी है। इंडिया इस टाइम पे वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, और कुछ साल के अंदर इंडिया वर्ल्ड की 3rd बड़ी इकोनॉमी होगी, इससे परेशान है कि जो कंट्री हमसे फ्री में राशन लिया करती थी, वीट लिया करती थी, आज वो उनसे भी ज्यादा ताकतवर बन रही है। वो इसलिए कि पीएम मोदी पावर में और पीएम मोदी का विजन है, उस वजह से हम बढ़ रहे हैं। और फिर कहते हैं कि यूरोप इंडिया के खिलाफ है, किसी भी तरीके से यूरोप इंडिया के खिलाफ नहीं है, सिर्फ इंडिया को जो उससे जो प्रॉब्लम है किसी को वो है यूएस को, क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट इस टाइम पे कमजोर गवर्नमेंट है, और उससे ये दिक्कत हो रही है कि इंडिया को वो चाहते हैं कि उसकी लाइन फॉलो करे, यानी कि रशिया से रिलेशन तोड़ दे, और सारा का सारा इक्विपमेंट डिफेंस की चीजें यूएस से रहे। यूएस चाहता था इंडिया नाटो ज्वाइन कर ले, पीएम मोदी ने मना कर दिया। यूएस चाहता था इंडिया नाटो प्लस ज्वाइन कर ले, वो भी पीएम मोदी ने मना कर दिया। तो इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया, और टारगेट किसके थ्रू किया, ट्रूडो के थ्रू, क्योंकि इनको और कोई समझ आपकी तो मिला नहीं। और ट्रूडो वो आदमी है जो अपना प्लेन, जो उनका प्राइम मिनिस्टर है, उनका 40 साल पुराना प्लेन है, जगह जगह खराब हो जाता है, वो प्लेन नहीं चेंज कर पाते, और इंडिया को टारगेट करने पे लगे हैं किस तरीके से उनको वोट मिल जाए, खालिस्तानी सपोर्ट करे और पावर में रह जाए। अच्छा सूट सर, और लाओस के अंदर पीएम गए थे, जैसे रशिया है, फ्रांस है, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या वो भारत के खिलाफ खड़े होंगे, और मिडिल ईस्ट उनका क्या रुख रहेगा इसके ऊपर? देखिए इसके ऊपर अगर आप रशिया की बात करो तो रशिया हमारा मोस्ट डिपेंडेबल पार्टनर है। रशिया ने वैसे भी कहा कि आदमी तो पागल है ट्रूडो के बारे में, पुतिन की बड़ी डिवास्टेटिंग स्टेटमेंट आई है उसके ऊपर। और अगर आप फ्रांस की बात करो, फ्रांस के साथ इंडिया, फ्रांस फिर भी इंडिया का एक डिपेंडेबल पार्टनर है, और वो कभी इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, ना जर्मनी देगा, क्योंकि फ्रांस अभी हमारे एनएसए फ्रांस गए थे, बहुत ज्यादा डील करके आए, जैसे 26 हम प्लेन ले रहे हैं उनसे,
नेवी के लिए, अपने सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, और थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी हमने वहां से 30 प्लेन का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, यानी कि प्लेस करने वाले हैं, क्योंकि वो भी हमने बनाने शुरू कर दिए। फिर हम वहां से 3 सबमरीन ले रहे हैं, फिर हम वहां से फ्रांस हमको इंजन दे रहा है प्लेन्स के लिए, साथ में फ्रांस हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे रहा है, और साथ में फ्रांस हमको पूरी सपोर्ट दे रहा है यूयूवीज बनाने में, यानी कि अंडर वाटर ड्रोन्स। और फ्रांस कहता है आपको कोई भी चीज चाहिए विद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। और यूएस को परेशानी क्या है कि इंडिया एक तो जो आर्म्स खरीदता है वो खरीदता है रशिया से, दूसरे हम फ्रांस से लेते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम हुई थी। यूएस क्यों चाहता है इंडिया को कि नाटो ज्वाइन करो? यूएस इसलिए इंडिया को चाहता है नाटो ज्वाइन करो कि इंडिया सबसे बड़ा परचेजर है आर्म्स का, या हमारी बहुत बड़ी आर्मी भी है, नेवी भी है। तो यूएस चाहता है कि जो हमारी सारी जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट है हम यूएस से लें, लेकिन इंडिया इसके ऊपर राजी नहीं है। हमारी शुरू से पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट। जब 60s के अंदर हमने यूएस से कहा था कि हमें आर्म्स चाहिए, यूएस ने मना कर दिया, कहते तुम्हारी तो जो एयरफोर्स है वो तो म्यूजियम में रखने वाली है, तो हम रशिया के पास चले गए। रशिया हमको आर्म्स भी देता रहा, प्लेन भी देता रहा, सबमरीन भी देता रहा, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो करता रहा। तो इसलिए इंडिया रशिया के पास चला गया, लेकिन धीरे धीरे इंडिया ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। हमने फ्रांस से भी डीलिंग करनी शुरू कर दी, इसराइल से भी कर दी। फिर जब ट्रंप आए तो उन्होंने इंडिया को प्रेशर डाला कि आप हमसे कहीं लेते, जैसे हम 31 ड्रोन्स ले रहे हैं MQ-9B ड्रोन्स, और उसकी डील $4 बिलियन की है। साथ में हम कुछ और भी चीजें ले रहे हैं। यूएस हमसे कहता है कि जब हमारा चाइना के साथ वार हो या लड़ाई हो तो इंडिया अपनी बेसिस हमें दे दे, ताकि हम यहाँ से अपने इक्विपमेंट को फर्निश कर सके, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो अगर आपके जो शिप्स हैं डैमेज होते हैं उनके रिपेयर भी चाहिए, तो इंडिया वो यहाँ से रिपेयर भी चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इंडिया चाइना के सामने खड़ा रहे, और वो ये भी चाहते थे इंडिया चाइना से लड़े, तो इंडिया ने कहा कि हम चाइना से क्यों लड़े, हमारी जब लड़ाई होगी तो हम डील कर लेंगे, और लड़ाई होगी तो हम खुद टैकल कर लेंगे। तो यूएस को इससे परेशानी थी, लेकिन यूएस इंडिया की मदद भी चाहता है और इंडिया को टारगेट भी करना चाहता है, लेकिन यूएस चाहता है इंडिया कमजोर मिला के। हाँ नहीं, उसको अच्छा, देखो अगर इंडिया कमजोर होगा तो क्या, मिडिल ईस्ट में के लोग जो कंट्रीज हैं वो कैसे खड़े होंगे? देखिए वहां पे भी डीडॉलराइजेशन चल रहा है, क्योंकि जो सऊदी जो अपने जितना ऑयल बेचा करता था वो डॉलर से बेचता था, अब चाइना को जो ऑयल बेच रहा है वो युआन में बेच रहा है, तो यूएस को वहां से परेशानी है। और यूएई इंडिया का बड़ा रिलायबल पार्टनर है, जितना बड़ा इन्फ्लुएंस, क्योंकि देखिए यूएस की बहुत सारी बेसिस है मिडिल ईस्ट के अंदर, और वो जो इसराइल को सपोर्ट करता है इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो यूएस के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन दूसरी बात है कि इंडिया के साथ एक्सलेंट रिलेशन है, सऊदी के साथ भी, यूएई के साथ भी, बहरीन के साथ भी, इजिप्ट के साथ भी, और ईरान के साथ भी। यूएस इससे ही परेशान है कि इंडिया के रिलेशन से क्यों अच्छे हैं, लेकिन इंडिया ने अपनी ऐसे पॉलिसी बनाई है शुरू से ही, और स्पेशली मोदी के आने के बाद, कि हम ट्रेड भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, और हम रशिया से ऑयल भी ले रहे हैं, और वो ऑयल लेकर के हम कहाँ दे रहे हैं, हम दे रहे हैं यूरोप के अंदर, तो यूरोप की जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया फुलफिल कर रहा है। आज इंडिया जितना ऑयल यूरोप को दे रहा है उतना तो सऊदी भी नहीं दे रहा, और आप देखिए तभी तो इंडिया की इकोनॉमी प्रेशअप कर रही है, क्योंकि ऑयल लेते हैं रशिया से सस्ता, रिफाइन करते हैं इंडिया के अंदर, और उसको भेजते हैं यूरोप के अंदर। तो हमारे को जो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $10-10 बिलियन पर वीक में बढ़ रही हैं, और आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन तक पहुंच गए हैं। यूएस से ही परेशान है। देखिए ये हमारा विजन है कि हम रशिया से ऑयल लेते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, यूरोप को सप्लाई करते हैं, क्योंकि यूरोप ने रशिया को सैंक्शन लगा दिया अमेरिका के प्रेशर के अंदर आकर के, तो उनकी जो कुछ जरूरत है वो इंडिया पूरी कर रहा है। और दूसरी बात है कि यूएस को इंडिया की जरूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए। अब ये पोजीशन क्या आ रही है जियोपॉलिटिकल, ताइवान को चाइनीज फोर्सेस ने, चाइनीज नेवी ने सब तरफ से घेर लिया, और ये उम्मीद लगाया जा रही है बहुत जल्दी चाइना अटैक कर सकता है ताइवान के ऊपर, उसको ले सकता है। लेकिन यूएस इस टाइम पे अलग तरीके से इन्वॉल्व है, एक तो इंडिया को टारगेट कर रहा है, उसकी एक मदद चाहिए, दूसरी तरफ यूएस पूरी तरीके से इन्वॉल्व है गल्फ के अंदर, जो इसराइल और गल्फ के अंदर वार चल रहा है, और रशिया यूक्रेन वार उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन चाइना इसी चीज का मौका उठा करके इस टाइम पे ताइवान पे कब्जा करना चाहता है, और यूएस देखता रह जाएगा, क्योंकि यूएस उसको पता है कि यूएस की जो गवर्नमेंट है जो बाइडेन की सबसे कमजोर गवर्नमेंट है, और ये गवर्नमेंट टोटली फेल्ड गवर्नमेंट है यूएस की, और इसलिए वर्ल्ड को डिस्टेबलाइज कर रही है। एक्चुअली क्या है कि यूएस जगह जगह वार करवाता है, स्पेशली जो डेमोक्रेट्स आते हैं वार कराते हैं, तो वहां पे जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जैसे आप यूक्रेन की बात कर लीजिएगा, यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उन्होंने सामान दे दिया डिफेंस का, और यूक्रेन अब इनके पैर भी चाटेगा, तलवे भी चाटेगा। यूक्रेन ने अपने आपको गिरवी भी रख दिया इनके सामने कि जितनी वीट है अगले 100 साल के लिए यूएस ले ले, यूएस को यही जरूरत है, और इस तरीके से वो इंडिया को यही चाहता है कि इंडिया उनके तलवे चाटे, इंडिया बैंकक्रप्ट हो जाए, और इंडिया यूएस के नीचे लेटा रहे, जो पीएम मोदी करने ही दे रहे, इसलिए यूएस को परेशान है। और यूएस किसी भी तरीके से देख नहीं पा रहा
कि इंडिया मजबूत हो। मतलब कुल मिला के इसलिए ये सारी चीजें की जा रही है। कनाडा का अपने आप में एक्सपोज हो गया, क्योंकि जगमीत की पार्टी ने सपोर्ट वहां से खींच लिया, तो उनको इस तरीके से बयान सामने देने पड़े। एक साल से एक कागज का पत्ता भी इन्होंने नहीं दिया सबूत के आधार पर। और ये हम नहीं कह रहे हैं, भारत में जो भारत में रहते हैं, भारत से प्रेम करते हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो कनाडा के सिटीजन हैं, कि भैया तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम लोग सेंशन लगाने की बात कर रहे हो, तुम्हारी इकोनॉमी पे और क्या असर पड़ेगा, पहले ही डूब रही है। और अमेरिका उसके साथ साथ उसको पीछे से उंगली करता हुआ, जैसे आपने बताया था एक और वीडियो में हमने बात की थी, वो पहले कहता है चलो लड़ो लड़ो लड़ो, उसके बाद वो लड़ाएगा तुम्हें और फिर छोड़ के भाग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।